दोस्तों आप लोगों के बीच में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आज विक्रांत सर का। स्पोर्ट्स तक के जो न्यूज एंकर है विक्रांत सर, मैं उनको काफ़ी नज़दीकी से फॉलो करता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो और उनके यूट्यूब चैनल पे भी। तो दोस्तों सर ने भी बताया और मैं भी ये बात कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि दोस्तों ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना, जो खास करके क्रिकेट पर वीडियो बनाते हैं, क्रिकेट के रिव्यू करते हैं, चाहे इंडिया के हो पाकिस्तान के हो, तो रहते तो वो पाकिस्तान में हैं लेकिन इंडिया की तारीफ कुछ ज़्यादा करते हैं और पाकिस्तान के प्लेयर्स को गाली देते हैं, चाहे वो अच्छा खेले चाहे बुरा खेले। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या पता है ये ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों ये सिर्फ हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। इनको तो चंद पैसे कमाने होते हैं यूट्यूब से वीडियो, क्योंकि अपलोड होता है, मेन मोटिव होता है इनका पैसा कमाना, ठीक है। अब दोस्तों ये लोग हाइप बनाते हैं, विराट कोहली बाबर आजम से अच्छा है, रोहित शर्मा बेस्ट है, ठीक है दोस्तों, वो हम लोग जानते हैं, हम लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, तो हमें पाकिस्तानियों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ज़रूरत ये नहीं है, क्योंकि ये लोग फेक सपोर्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको तो कमाना होता है पैसा। अब इंडिया से इतना ही प्यार है तो इंडिया में ही आके रह लो, वीज़ा बनवा देंगे तुम्हारा। अब दोस्तों मैं किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का नाम तो नहीं लूँगा जो पाकिस्तान में रहते हैं और सपोर्ट इंडिया को करते हैं। दोस्तों ये सपोर्ट नहीं होता, ये इनका ना पैसे कमाने का जरिया होता है। दोस्तों जो अपने देश का सपोर्ट नहीं कर सकता वो हमारा क्या सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो विक्रांत सर ने भी यही कहा कि ये इनके लिए ना एक पैसा कमाने का जरिया होता है, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, उल्टा ये बांटने का काम करते हैं। तो जो लोग भी हैं ना ऐसे, उनको मैं कह रहा हूँ भाई ट्रू क्रिकेट को सपोर्ट करो, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप को सपोर्ट करो, ठीक है। केवल इंडिया या केवल पाकिस्तान जो अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करो। अब हमारे विक्रांत सर हैं, चाहे वो बाबर आजम को अच्छा बताएं चाहे स्टीव स्मिथ को, लेकिन दोस्तों वो स्पोर्ट्समैनशिप के अकॉर्डिंग चलते हैं और हमारे इंडियन के सारे स्पोर्ट्स एंकर जो हैं वो इसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल पाकिस्तान में जो माहौल बना है ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए, चाहे इंडियन ऑडियंस को खींचने के लिए कुछ भी, मतलब अपने ही देश को गाली दो ये वो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, ये विक्रांत सर का कहना है। तो बाकी मिलते हैं स्पोर्ट्स एनालिसिस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।